भारत की पांच महारानियाँ जो बहुत ही खूबसूरत थी, विश्व प्रसिद्ध, उन्हें पाने के लिए अंग्रेज और मुगल अपनी जान की बाजी भी लगा देते थे। आइए उनका परिचय देखते हैं। नूरजहाँ। नूरजहाँ का जन्म कंधार में 1597 में हुआ था। इनका असली नाम मेहरुनिसा था। इनका निकाह बंगाल के जागीरदार सिर अफगान खान उर्फ अली कुली से हुआ था। 1607 में जहांगीर के सैनिकों के साथ युद्ध में अली कुली मारा गया। मेहरुनिसा को बंदी बना दिल्ली लाया गया। यहाँ मेहरुनिसा की खूबसूरती की चर्चा फैलने लगे। मेहरुनिसा को जहांगीर ने देखा तो वो भी दीवाना हो गया। जहांगीर ने मई 1611 में रेनिसा से निकाह कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई बेहद खूबसूरत थीं। इनकी खूबसूरती के कायल अंग्रेज भी थे। भारत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने दस्तावेज में रानी महा लक्ष्मीबाई की सुंदरता के बारे में लिखा है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर क्रिस्टोफर हिबर्ट ने अपनी किताब द ग्रेट म्यूनिटी ऑफ इंडिया में लिखा है, लक्ष्मीबाई के प्रति कई ब्रिटिश अफसर आकर्षित थे जो उन्हें लेकर गलत विचार रखते थे और उन्हें पाने के लिए बहुत ही तरकीब लगाते थे। रजिया सुल्तान। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना दिल्ली की सल्तनत पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासक थी। इनकी खूबसूरती के साथ इनकी बहादुरी के चर्चे भी दूर दूर तक थे। रजिया ने मुगलों की पर्दा प्रथा को तोड़ा था। खुद पुरुषों की तरह रहती। इन्हें अपने के गुलाम जमात उद दीन याकूत से प्रेम हो गया था और उन्होंने उनके साथ रहना कबूल किया। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रावल रत्न सिंह की पत्नी थीं। इनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। इनके चलते ही दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में राजा रत्न सिंह सहित हजारों सैनिक मारे गए। वहीं रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। इसके चलते अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें पा नहीं सका। रानी संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। संयोगिता बहुत ही सुंदर थी। इनकी सुंदरता के बारे में चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो में जिक्र किया गया है। पृथ्वीराज रासो में संयोगिता को पूर्व जन्म में रंभा नामक अप्सरा बताया गया है। संयोगिता की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। इनकी शादी दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ में हुई थी।